स्वागत है आपका मेरे माइक्रोस्कोप टाइम्स में। और आज हम बहुत ही एक मस्त सी चीज देखने वाले हैं जो यहाँ पर अभी सेवेंथ और एट्थ में है, सेवेंथ एट्थ में है उनको, और मतलब उसके आगे उनको पता होना चाहिए कि आज हम जो चीज देखने वाले हैं मतलब उनके उसके बारे में पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, तो मैं उधर ही आता हूँ दिखाने, क्योंकि ऐसे दिखेगा नहीं। तो गाइस आज हम देखने वाले हैं हाइड्रा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपको हल्का सा पिंक कलर का हल्की सी बहुत छोटा सा डॉट भी दिख रहा होगा। तो गाइस अभी आपने देखा कि आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं हाइड्रा। सो उसके बारे में सेवेंथ और एट्थ में जो उनको पता होना चाहिए, मतलब उसके आगे भी उनको पता होना चाहिए कि हाइड्रा क्या होता है। जिनको नहीं पता मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं एक हाइड्रा की फोटो देख रहा हूँ और मैं आपको वही फोटो दिखाने वाला हूँ यहाँ पर, जैसे आपको और अच्छी तरह समझ आए। सो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे टेंटिकल्स हैं। टेंटिकल्स का मतलब है ये जो आपको लाइंस लाइंस ही बाहर निकलती हुई दिख रही है, ये होते हैं, ये हुक का तरह बोल सकते हैं या फिर एक ग्रैबर की तरह काम करते हैं। और इनके ये एक्वेटिक एनिमल है एक तरह से, तो ये फ्रेश वाटर में हमको मिल रहा है, मतलब घर वाला वाटर भी पॉन्ड्स वगैरह में हमको इजीली दिख जाएगा। और तो क्या होता है इधर कि जब कोई एक्वेटिक स्मॉल एनिमल, ये बहुत छोटी चीज़ है, तो इसके साथ वाला जो एनिमल आता है तो ये क्या करते हैं, इसके जो टेंटिकल्स होते हैं ना वो उसको ग्रैब कर लेते हैं। और फिर ये जो आपको मतलब टेंटिकल्स जहाँ से कनेक्टेड है वहाँ पर आपको दिखेगा कि वहाँ पर ना एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो वो क्या करते हैं, वो टेंटिकल्स लाइक मेरे हैंड है तो ये टेंटिकल समझ लो, तो वो ऐसे लाता है और ईट कर लेता है। और उसके बाद फिर जो उसके अंदर के सेल्स वगैरह होते हैं वो उसको उस एनिमल को जो उसने खाया, जो उसने प्रे खाया है उसको किल करने में हेल्प करते हैं। तो किल कर कर फिर डाइजेस्ट कर कर फिर निकाल देते हैं जो भी वेस्ट होता है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमको एक बर्ड दिख रहा है आंखें में, मैं एरो लगा दूंगा। तो ये बर्ड एक्चुअली करता क्या है, ये ना ये जो बर्ड होता है ये बड़ा होते जाता है, बड़ा होते होते एकदम इसके जैसा बन जाता है, जैसा ये ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा, वहां पर एक दूसरा हाइड्रा आ जाता है और फिर वो एक टाइम के बाद अलग हो जाता है। सो हम देखेंगे कि आज हमारे वाले में ये तो दिखेगा ऑब्वियसली, पर देखते हैं कि क्या हमको बर्ड भी दिखता है नहीं दिखता। सो आइए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं, होपफुली आपको समझ आया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। उन्होंने मेरी पिछले वाली वीडियो नहीं देखी आनंद सर वाली, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि और मेरी पुरानी वाली वीडियो देखे तो आपको पता होगा कि मेरे पास ये दो लेंसेज तो पहले से ही हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक ये और एक ये दो आपको लेंसेज दिख रहे होंगे। पर मैं पिछले वाली वीडियो में आपको एक और लेंस दिखाया था, आप ये देख सकते हैं ये वाला, फोकस कर लेता हूँ थोड़ा, ये देख सकते हैं ये 5x वाला ऑब्जेक्टिव लेंस है और वो ये भी यहीं पे लगता है। तो आज हम दो की जगह तीन मैग्निफिकेशन से काम करने वाले हैं। सो सबसे पहले 50 दिखाऊंगा, उसके बाद फिर 100x दिखाऊंगा, फिर 450 दिखाऊंगा। तो देखते हैं हाइड्रा इसमें कैसा दिखता है फटाफट से। गाइस अब हम आ गए अपने 50x वाले मतलब मैग्निफिकेशन में, और आइए देखते हैं कि हमको क्या दिखता है। सो हल्का सा पिंकिश कलर दिखने लग गया है, और ये देखिए हमको इसमें हमको इसके टेंटिकल्स भी दिख रहे हैं, वो तो ऑब्वियसली दिखेंगे। पर हर एक हाइड्रा में बर्ड नहीं पाया जाता, पर इसमें है, तो हमको इसमें एक बर्ड भी दिख रहा है, जैसे कि मैंने आपको अपनी स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था, मतलब ये वाली वीडियो की स्टार्टिंग में। सो गाइस इसमें एक दिक्कत ये है कि ये जब बनती हैं ये प्रिपेयर्ड स्लाइड, सो इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो बचता नहीं है, क्योंकि इनका प्रोसेस ही ऐसा होता है जिसमें कोई भी बॉडी बच ना सके। तो इसकी वजह से हमको, चाहे हम 10 साल बाद इस स्लाइड को क्यों ना देखें, हमको ये बर्ड ऐसी दिखेगा, हमको इसमें कोई ग्रोथ नहीं दिखेगी। बस यही एक दिक्कत है इस स्लाइड की, मतलब प्रिपेयर्ड स्लाइड की, बाकी तो सब ठीक है। और आप देख सकते हैं डाइड होते हैं, उसकी वजह से हमको पिंक कलर का दिखता है, वैसे ग्रीनिश कलर का होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको बर्ड दिख रहा है, इसके टेंटिकल्स दिख रहे हैं, इसका माउथ दिख रहा है, इसकी बॉडी दिख रही है। और ये 50x में देख रहा हूँ, तो इसकी वजह से हमको ना 50x में फुल वो आ रहा है। अब हम 100x में शिफ्ट करते हैं, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि ना उसमें हमको फुल देखने को नहीं मिलते ना, तो हल्का सा जो मजा है ना कम हो जाता है, लेकिन इसकी डिटेल्स हमको दिखती है। तो आइए 100x पर शिफ्ट करते हैं, आगे हम 100x में, और अब देख लेते हैं कि हमको कैसा दिखता है। ये देखिए मैंने आपको जैसे कि बताया था डिटेल्स और क्लियर हो गई है। माउथ ये देखिए हमको यहाँ पर टोटल 6 टेंटिकल्स देखने को मिल रहे हैं विद माउथ। माउथ में जैसे मतलब कोई प्रेडेटर जाता है तो इसके जो सेल्स होते हैं, और सॉरी वो हमको देख सकते हैं यहाँ पर एक बर्ड दिख रहा है, तो मैंने आपको बताया। तो उसमें ये चीज़ होती है कि अगर हम किसी वाटर में देखते ना, मतलब वाटर में अगर हम जैसे मैंने आपको बताया पॉन्ड में होता है, तो अगर हम पॉन्ड का वाटर लाते हैं और उसमें देखने की ट्राई करते हैं तो, और अगर हमको हाइड्रा दिख भी जाता है तो ना, अगर हम उसको रेगुलरली स्पॉट करने में मतलब हो गए कि हम रेगुलरली स्पॉट करवा रहे हैं, तो हमको ये बर्ड उगता हुआ भी दिखेगा, मतलब उगता मतलब बड़ा होता हुआ भी दिखेगा, और किसी दिन ये सेपरेट हो जाएगा इस बॉडी से। पर डेफिनेटली ये वाली प्रिपेयर्ड स्लाइड में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म पहले से ही डेड है, तो ऑब्वियसली इसका जो बर्ड होगा वो भी डेड ही होगा, तो ये अब और नहीं होगा बड़ा। तो मतलब
ये ऐसी रह जाएगा चाहे 10 साल बाद ही क्यों ना देखे, मैंने आपको एग्जांपल दिया था। तो अगर हम कर वाटर पॉन्ड वाटर में देख पाते, वैसे तो ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, बहुत इजीली नहीं होती है। वाटर में पॉन्ड वाटर में देखना, सिचुएट करना इस चीज़ को, लोकेट करना आई मीन, वो इतना ईजी नहीं होता। बाकी किसी दिन ट्राई करेंगे, आइए 45X पर भी देख लेते हैं। तो जब हम आ गए 45 में, और आइए फटाफट से देखते हैं कि हमको कैसा दिखता है, मतलब इसकी और भी डिटेल बढ़ जाएगी। और हमको पिंक पिंक अभी से दिखना शुरू हो गया है। मैं थोड़ा फोकस करता हूँ, ये देखिए ये बट हमको इतना क्लियर दिख रहा है, बट बहुत ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखेगा, थोड़ा सा फोकस में दिक्कत आती है 45 में। ये देखिए बट हमको कितना क्लियर दिख रहा है, उसकी बॉडी में कितना सारा रफ दिख रहा है हमको, ऊपर से कितना मतलब सीधा सा दिख रहा था कि एकदम परफेक्ट होगा, लेकिन हम देख सकते हैं कितने रफ बॉडी है इसकी। ये हम आ गए टेंटिकल्स में, जो इसके टेंटिकल्स हैं, और ये इसका माउथ है जो आपको दिख रहा है, और ये इसके टेंटिकल्स हैं जो इतने लंबे लंबे हैं। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा दिख रहा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है ओवरऑल। पूरी बॉडी पर जाता हूँ, ये बर्ड है और ये इसका एंडिंग है। ये था हाइड्रा, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी और काफी शॉकिंग रिजल्ट्स भी थे। आज हमने तीन तीन मैग्निफिकेशन देखी और काफी अच्छा दिख रहा था, हाइड्रा विद बर्ड भी था, तो ओवरऑल बहुत मजा आया। होपफुली आपको भी मजा आएगा, और अगर वीडियो में मजा आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी करना, और बेल आइकन भी दबा दो, क्योंकि फिर सब्सक्राइब का फायदा नहीं अगर आप बेल आइकन दबाते, क्योंकि फिर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आएगी। क्योंकि अभी जो मेरी फर्स्ट स्लाइड थी, और मैंने फर्स्ट स्लाइड इतनी अगर आपको अच्छी लगी होगी, तो मैंने फर्स्ट स्लाइड अगर इतनी अच्छी दिखा दी तो आप फिर अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे पास और भी कितनी अच्छी अच्छी स्लाइड्स होंगी। और ये तो सिर्फ एक एनिमल था, सेपरेट एनिमल, मेरे पास बॉडी पार्ट्स की भी स्लाइड है। डरिएगा मत, कुछ ऐसा भी नहीं दिखता कि मतलब आप एकदम से डर जाओ, कुछ डरने की चीज़ नहीं है। अगर आप देखोगे तो ना आपको मजा आएगा देखने में। सो गाइस, अगर आपको वीडियो में मजा आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और मैं आपको मिलता हूँ अपनी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।